नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में देश में वैक्सीनेशन अभियान को जोरों से चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के क्षेत्र में देश हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। भारत वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पहले ही पार कर चुका है। वहीं अब उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वैक्सीनेशन में यूपी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपी 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण में लगी पूरी टीम को बधाई दी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि टीकाकरण को और रफ्तार दें। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, आज यूपी कोविड टीके की 13 करोड़ डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, कोरोना वॉरियर्स की प्रतिबद्धता और अनुशासित जन सहयोग को समर्पित है। अपनी बारी आने पर आप भी अवश्य लगवाएं टीका जीत का। 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश ने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराकें लगाने में उपलब्धि हासिल की थी, जबकि महाराष्ट्र इस मामले में पहले ही आगे चल रहा है। शुक्रवार को यूपी में कुल 7,71,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए। पहले डोज की संख्या 9,78,40,183 है, जबकि दूसरे डोज की संख्या 3,21,90,500 है। वहीं देश में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 9,76,00,000 टीके और तीसरे नंबर पर 7,63,00,000 वैक्सीन पश्चिम बंगाल में लगाई गई है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अब 100 से भी कम है। शुक्रवार को एक्टिव केसों की संख्या 98 है, तो वहीं 40 जिलों में एक भी एक्टिव केस की पुष्टि नहीं हुई है। 24 घंटों में 1,80,000 से ज्यादा टेस्टिंग में यूपी के 7 जिलों में 8 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 12 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। अब तक 16,87,135 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण को मात दे चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।